कैसे आप लोग, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आप सभी के रिक्वेस्ट पर पार्ट 7 हाजिर है कब क्यों एंड कैसे माय स्टोरी का। तो गाइस, आज का स्टोरी हम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं, मतलब बहुत नहीं, मतलब अगर 100 कमेंट ये आ रहे कि दीदी आप पूरा स्टोरी बताओ कि क्या हुआ है स्टार्टिंग से जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो उसमें से मतलब 5-10 लोग ऐसे भी हैं जो मुझे कहते हैं कि आप जल्दी से ख़त्म करो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, इतना लंबा क्यों लेके जा रहे हो, शॉर्ट में बताओ। तो मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ, अगर आपको शॉर्ट में जानना है तो ये स्टोरी आपके लिए नहीं है, ठीक है। मेरा जो पूरा लाइफ है ये स्टोरी आपके लिए नहीं है, क्योंकि शॉर्ट में अगर आपको जानना है तो शॉर्ट में आपको पता ही होगा, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो, कि मुझ पर किसी ने ऐसे अटैक किया था, इंडियन आर्मी के लड़के ने, शादी के लिए मना किया था इसलिए। तो शॉर्ट वीडियो यहीं पे ख़त्म, ठीक है। शॉर्ट में मैंने बता दिया, यहाँ ख़त्म हो जाता है। बाकी जिनको देखना है पूरा वीडियो तो वो पूरा वॉच कर सकता है, पार्ट 1 से लेकर 6 तक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, तो आप लोग जाके वहाँ पे चेकआउट कर लेना और आप लोग देख लेना। तो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने माय स्टोरी कब क्यों एंड कैसे 7 पार्ट को। तो गाइस, लास्ट वीडियो मैंने एंड किया था वहाँ से, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने परिवार को भी भूल चुकी थी, मेरा बिल्कुल माइंड वॉश हो चुका था, मैं अपनी मम्मी को भी नहीं पहचान रही थी कि मेरी मम्मी कौन है, और खुले आंखों से मैं देखती थी कि हाँ फिर से वो लड़का आ रहा है और मुझ पर तेजाब डाल रहा है। मैंने ये सब मैंने वो वीडियो में बताया था। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, 3 महीने तक कंटिन्यू मैं बेड में रही, ठीक है, बेड में थी, बेड से मैं उठ के बैठ भी नहीं पा रही थी, इतना बुरा सिचुएशन था मेरा। और उसी बीच एक दिन एक अननोन नंबर से हमें कॉल आता है, हॉस्पिटल में मैं मर रही हूँ, मैं एडमिट हूँ, और मुझे एक कॉल आता है मेरे फ़ोन पर, और ये था उस लड़के के माँ बाप का फ़ोन। वो हमें कह रहे थे, मेरी मम्मी को वो कह रहे कि अपनी बेटी का शादी तो मेरे बेटे से करा दो, अभी भी हम उसे अपनाने के लिए तैयार है, उसको करा दो, मेरा बेटा अभी भी तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है बोल के, और पूरा ट्रीटमेंट का खर्चा हम उठाएंगे, लेकिन तुम लोगों को वो केस जो है वो तुम्हें उठाना पड़ेगा, वो केस तुम लोग ले लो जो चल रहा है अभी, बाकी तुम लोग कैश बोलोगे तो हम तुम्हें कैश पेमेंट देने के लिए भी तैयार है। तो मेरी मम्मी ने उनको बोला कि तुम लोगों को इतना भी शर्म नहीं है कि मेरी बेटी का ज़िंदगी बिल्कुल नर्क करने के बाद भी अभी तुम लोगों को चैन नहीं आया, तो तुम लोग ये ऑफर हमें दे रहे हो। तो मेरी बात सुन लो, मेरी बेटी को मैं जहर खिला के मार दूंगी, लेकिन तुम्हारे बेटे के साथ शादी नहीं कराऊंगी, क्योंकि अगर शादी कराना होता तो हम पहले ही करा देते, इतना बड़ा हादसा ही नहीं होता, है ना। तो इतना बड़ा हादसा, जब मेरी बेटी नॉर्मल थी तब तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी का ये हाल किया, तेजाब डाल दिया, अब तो वो बिल्कुल जल चुकी, अब ख़त्म हो चुकी, अब देख नहीं सकती, उसकी दोनों आंखें खराब हो गई, तो अभी अगर मैं तुम्हारे बेटे से अपनी बेटी का शादी कराऊंगी तो तुम्हारा बेटा उसका क्या हाल करेगा, है ना। तो मेरी बेटी को मैं जहर खिला के मार देना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारे बेटे के साथ शादी नहीं कराऊंगी, कभी भी नहीं कराऊंगी। तो ये बात हुई थी। उसके बाद कंटिन्यू उसके घर वालों का प्रेशर था हमारे ऊपर कि केस को वापस ले लो और शादी करा दो बोल के, लेकिन मेरी मम्मी ने हमेशा मना किया, नहीं नहीं, हमने फिर थाना में कॉल करके बताया कि उनके यहाँ से ऐसा ऐसा कॉल आ रहा, वो हमें ये बोल रहे। तो मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। फिर क्या हुआ कि मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका था, जो मेरा ब्रेन वॉश हो चुका था बिल्कुल, तो उस टाइम मुझे डॉक्टर ने एक ड्रॉप टाइप दिया था जो मेरी जुबान पे 2-2 बूंद हर शाम को मुझे वो डॉक्टर देने के लिए मेरी मम्मी को बोला था, तो मम्मी मुझे डेली वो ड्रॉप देते थे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे नॉर्मल होने में, अराउंड 1 हफ्ते से 10 दिन ही लगा होगा, मुश्किल से 1 हफ्ते से 10 दिन ही लगा था, और धीरे 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 तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, मम्मी मम्मी को पहचानने लगी थी। तो वो हॉस्पिटल जो था ना, वो सरकारी हॉस्पिटल था, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इतना अच्छा ट्रीटमेंट मुझे नहीं मिला जितना मुझे वो सरकारी हॉस्पिटल में मिल गया था। तो वेस्ट बंगाल का बहुत ही बेस्ट हॉस्पिटल मैं मानती हूँ उस टाइम का, जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, पीजी हॉस्पिटल नाम है उसका, पीजी सरकारी है, पीजी हॉस्पिटल, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल था वहाँ पे हमें इतना पैसा खर्च हुआ, लेकिन दिन ब दिन मैं सड़ रही थी वहाँ पे, इतना बुरा मेरा हाल हो गया था वहाँ पे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरे इतने पूरे बदन पे इतना स्मेल आने लगा था, मेरा इतना जख्म था,
जो कपड़े वो मुझे पहनाते थे ना, टी शर्ट वगैरह, ट्राउजर वगैरह, वो मेरे जख्मों में सट जाता था। जब मैं कपड़े बदलती थी ना, तो मेरे कपड़ों में ब्लड आता था बहुत ज्यादा, क्योंकि जख्म में एकदम कपड़ा सट जाता था। और वो लोग मुझे नहलाते भी नहीं थे, जो गीला टिश्यू होता ना उससे मुझे साफ करते थे। मेरा बाल वगैरह पूरा मुंह पे सड़ता था, और जख्म मतलब बाल जब सड़ते थे ना मेरे फेस पे, इधर बिल्कुल जख्म भरा हुआ था, जेली की तरह पूरा मेरे हाथ पे, फेस पे, चेस्ट पे जेली की तरह था, एकदम जख्म निकल निकल के। तो बाल वगैरह ना एकदम आके सड़ता था, जब मैं बाल हटाती थी ना तो बाल के साथ साथ जख्म भी निकलते थे मेरे। तो इतना बुरा हाल मेरा हो गया था कि मैं क्या ही बोलूं। तो अगर कोई केबिन में आना भी चाहे ना मुझसे मिलने, तो वो नहीं घुस सकता। पूरे केबिन में मेरे बदन से इतनी स्मेल आती थी, सड़ रही थी मैं दिन ब दिन। लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। इतनी बदबू होती थी, मेरे पूरे शरीर से पानी की तरह निकलता था स्मेल, इतना कपड़े गीले हो जाते, गंदे हो जाते, फिर भी मेरी मम्मी मुझे एकदम बाहों में सटा कर सुलाती थी। तो माँ का जो दर्जा है ना, वो कोई और जो माँ जो प्यार दे सकती ना दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इसलिए अल्लाह भगवान से पहले मैं अपनी माँ को पूछती हूँ। मेरी माँ मेरे लिए बहुत मायने रखती है, उनके वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए। तो वो बालों बाल आके जब मेरे फेस उस पर सड़ता था, चेस्ट वगैरह पे जख्म के साथ निकलता था, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका बाल पहले रिमूव करना होगा। तो ये तो बाल अभी बहुत छोटे मेरे, उस टाइम मेरे बाल और भी बहुत ज़्यादा लंबे थे और बहुत ज़्यादा सुंदर थे, आप लोगों ने फोटो में देखा होगा। तो उस टाइम उन्होंने फिर मेरा जो है बिल्कुल मुझे गंजा कर दिया, वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में जब मैं थी, बिल्कुल गंजा कर दिया, और मेरा सर पे एक भी बाल नहीं था, बिल्कुल गंजा कर दिया मुझे। तो उस दिन एक लड़की के लिए उसका बाल बहुत मायने रखता, लेकिन मुझे था कि मैं बिल्कुल ही अब ख़त्म हो चुकी, तो बाल लेके क्या करूँगी। तो जब मेरे बाल वो मुझे गंजा कर रहे थे नाई, तब तो मैं थोड़ा सा मुझे रोना आया, मैं एक दो बूंद आंसू निकला मेरे आँख से, लेकिन मैं इतना तेज नहीं रोई। लेकिन पास बैठ के मेरी मम्मी ज़रूर रो रही थी, उनको वो मुझे देख देख के बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। तो अब मैं अब क्या करूँ, मम्मी को रोते हुए मैं नहीं देख सकती ना, मैं पहले देख सकती थी ना मैं अभी देख सकती हूँ। तो मेरे पास में था, तो मैं सोच रही क्या करूँ मैं। तो मैंने फिर मम्मी के सामने जोक मारा कि जब मेरे बाल बिल्कुल गंजे हो गए, तो मैं कह रही थी कि वाओ मम्मी कितना अच्छा ठंडा ठंडा हवा लग रहा मेरे बाल, मतलब इतने अच्छे लगते गंजी होने के बाद। मुझे पहले पता होता तो मैं पहले गंजी ही रहती हमेशा। तो मेरी मम्मी हंस पड़ी, तो कह रही पागल है तू, मतलब इतना बुरा सिचुएशन में भी तुझे मजाक लग रहा। तो मैं कह रही थी कि अब क्या कर सकते हैं, अब जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब जो अभी मैं हूँ इसको कैसे मैं ठीक करूँ, हम कैसे इसको ठीक करें, इससे बाहर आए वो कोशिश तो करना है ना। तो हमारे रोने से अभी कुछ ठीक नहीं होगा, तो अगर आप ही टूट जाओगे तो फिर मुझे कौन संभालेगा। तो हम माँ बेटी ऐसे थे एक दूसरे का सहारा। उस टाइम ना मेरा पापा मुझे कभी देखने के लिए आए, ना मेरी फैमिली में उससे कुछ, मेरी बहनें तो मजबूर थी क्योंकि मेरे जीजा नहीं आने देते थे। एक बहन प्रेग्नेंट थी, 9 मंथ 8 मंथ उसका चल रहा था मछली वाले का, तो वो वहाँ थी सूरत में थी, तो वो नहीं आ पाई, प्रेग्नेंट थी वो। बड़ी वाली बहन जो है वो अपने ससुराल में थी, उसके घर के जो लोग हैं वो नहीं आने दे रहे थे, मेरे बड़े जीजू जो थे वो नहीं आने देते थे कि अगर जाएगी तो तुझे हम घर से निकाल देंगे, क्योंकि हादसा इतना बड़ा था ना, वहाँ पे पहली बार किसी लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, तो उनको भी शायद लगा हुआ कि यही गलत थी इसलिए ऐसा हुआ। तो वो भी मजबूर, बहनें मेरी मजबूर थी, नहीं आ पाई। मेरा बाप तो जानबूझ के वो नहीं आया, उनको तो कोई लेना देना नहीं, उनके सामने कोई बच्चा मर भी जाए उनको कोई लेना देना नहीं था, उनको खुद से मतलब शुरू से था, और मेरा इतने बड़ा हादसा होने के बाद भी उनको कोई लेना देना नहीं था। तो गाइस ये हॉस्पिटल का जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ, और वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बिल्कुल ख़त्म ही थी, लेकिन फिर वहाँ इतना पैसा लग रहा था लेकिन मैं ठीक नहीं होती, मतलब हर एक दिन गैप कर करके 15,000-20,000 वहाँ जमा करने पड़ते थे, एक एक ड्रेसिंग का इतना पैसा लगता था। तो वहाँ से हमने फिर हॉस्पिटल चेंज किया, सरकारी में आए, क्योंकि हमारे घर का सिचुएशन इतना ख़राब हो गया था, इतना ट्रीटमेंट में पैसा लग रहा था इतना ज़्यादा कि धीरे धीरे घर बेचना पड़ा, धीरे धीरे घर का एक एक चीज़ बेचना पड़ा। घर बेच के जब हम रेंट पे आए तो रेंट का भी पैसे देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, 2 महीने का रेंट उधार हो गया था, हम दे नहीं पा रहे थे। तो जिनके घर में रेंट पे थे अब उनको हम पैसे नहीं दे पा रहे, तो वो हमसे लड़ रहे थे।
तो हमने उनको ऑप्शन दिया कि हम पैसे तो नहीं दे पा रहे अभी, वो सिचुएशन में है नहीं, तो आप एक काम करो मेरे घर में जो भी सामान आपको अच्छा लग रहा वो ले लो। तो उन लोगों ने हमारे घर पे दो डबल बेड थे, तो डबल बेड उन्होंने दोनों ही ले लिया उन्होंने। और हमारे घर पे सोफा था पहले, दूसरा था ये, तो दूसरा है वो दूसरा था। तो उनको हमने उन्होंने बोला कि ये दोनों डबल बेड जो है वो दोनों चाहिए और सोफा चाहिए। तो हमने बोला ठीक है ले लो, हमने फिर कुछ नहीं बोला। सोफा भी हमने 10,000 के बदले में सोफा भी दे दिया और डबल बेड का दो बेड भी हमने दे दिया। हमने बोला कोई बात नहीं ले लो। फिर एक फ्रीज था, मेरा सर्जरी होने वाला था, पैसे हमारे पास कम पड़ रहे थे। एक रिलेटिव था वहाँ पे, मेरी मम्मी की कोई था बहुत दूर का रिश्तेदार, एक लेडी थी। तो हमने जब मैं हॉस्पिटल में थी कॉल किया उनको, चाबी उनको दे के गए थे। तो उनको हमने कहा कि हमारा फ्रिज को बेच दो और पैसे हमें डाल दो, अर्जेंट है, रेशमा का सर्जरी होने वाला है, मेरी मम्मी ने कहा। तो वो इतनी बेकार औरत निकली गई, सब मानेंगे नहीं, उसने सपना में हमारा फ्रिज निकाल के उसने बेच दिया, पैसे भी खुद खर्च कर लिए, हमें नहीं दिया उन्होंने। और वहाँ मेरी मम्मी फोन पे फोन करती रही, लेकिन अभी नहीं बिका, अभी नहीं बिका, अभी नहीं बिका कर रहे थे। लेकिन जब हम घर आए तो हमारे घर में फ्रिज नहीं था, उन्होंने बोला कि वो तो काफी दिन पहले ले गए। वहां हम गए कि हमारा फ्रिज कहाँ है, तो उसने बोला कि मैंने बेच दिया, आप पैसे मुझसे खर्च हो गए। उनको इतना भी शर्म नहीं आया कि वो हॉस्पिटल में भर्ती, उसका ट्रीटमेंट होने वाला है, इसलिए मजबूरी में अपना सोफा बेच रही, वो फ्रिज बेच रही, तो मैं उसको पैसे डाल तो नहीं। इतना घटिया औरत, उस फ्रिज का भी पैसा वो खा गई। तो हमने फिर भी हमने बोला चलो कोई बात नहीं। इतना बुरा हुआ है ना हमारे साथ कि मैं क्या बोलूं। सिचुएशन ऐसा कभी कभी आता था कि मैं और मेरी मम्मी भूखे सोते थे। हमारे पास एक लड़की के, जब एक लड़की पे एसिड अटैक होता है ना गाइस, तो उससे वो लड़की के ऊपर नहीं होता है, उसके पूरे परिवार पे होता है। उस लड़की के चक्कर में पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। 10 रुपए का तेजाब लेके आप किसी पे डाल तो रहे हो, लेकिन उसके बाद उस लड़की की जिंदगी, उसके परिवार की जिंदगी कितना नर्क हो जाता वो वही जानते। तो जो तेजाब जो डालते ना ऊपर वाला, उनको कभी माफ ना करे, नर्क में भी उनको जगह ना मिला। मैं तो ऐसा बद्दुआ देती हूँ उनको। लेकिन कभी कभी कोई कहता है कि तुम्हें डाला, तुम भी उसको जाकर डाल दो। मैं नहीं चाहती कि उसने किया तो मैं भी वही घटिया काम करूं। ऊपर वाला है वही उसको सजा देगा और एक दिन जरूर उसके बहुत बुरा होगा उसके साथ में। मैंने सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया, मैं अपने हाथ से कुछ ऐसा नहीं करूंगी। तो गाइस ये जो है, मैं फिर से हॉस्पिटल तक चलती हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरा, जब मैं पीजी हॉस्पिटल में जब मुझे लेके आया गया, वहाँ पे जिस दिन मैं एडमिट हुई शाम हो गया था, और फिर सुबह जब हुआ ना तब मेरी नई जिंदगी स्टार्ट हुई, मतलब सर्जरी वगैरह का। तो जिस दिन सुबह हुई, सुबह 6 बजे ही मुझे उठाया उस हॉस्पिटल में जो आया होती, वो उठा के मुझे व्हीलचेयर में बिठाया मेरी मम्मी को बोल के, और मुझे बाथरूम लेके गए। बाथरूम ले जाके मुझे बाल्टी बाल्टी पानी उठा के मुझ पर डाल रहे थे, बाल्टी बाल्टी पानी। और जैसे मेरे बदन पे पानी डल रहा था ना, आप मानोगे नहीं, ऐसा लग रहा था कि मुझे करंट लग रहा है, मतलब कोई खोला हुआ तेल मेरे बदन पे डाल रहा है। मुझे ऐसा दर्द, इतना चनचना के उठती थी मैं, मतलब जैसे बाल्टी का पानी डालते हो, मैं इतना चिल्लाती कि मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि जख्म भरा हुआ था बिल्कुल बदन पे, पूरे चेस्ट में यहाँ तक पूरा में जख्म भरा हुआ रहता था, इसकी एकदम जेली की तरह निकल गया था बाहर, फूल फूल के पूरा निकला हुआ था, ऐसे ऐसे निकला, थका थका निकला हुआ था, पूरे हाथ में, गला में, पूरे फेस में पूरा जख्म फूल फूल के निकला हुआ था मेरे। जैसे वो पानी मारते ना, मैं इतना चिल्लाती, मतलब इतना दर्द, इतना पेन, वो गॉड, आज भी मुझे वो पेन फील होता है जब वो सब सोचती हूँ। तो इतना बुरा वक्त था वो कि मैं क्या ही बोलूँ। तो जिस दिन उन्होंने मुझे नहलाया ना, उसके बाद मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ, इतना रिलैक्स फील हुआ। एक्सीडेंट के बाद पहली बार इतना कंफर्टेबल फील की, इतना अच्छा महसूस हुआ उन नहलाने के बाद। जैसे एक बच्चा पैदा नहीं होता, उसको तेल उस मालिश करो, दूध पिलाओ, वो सो जाता है बस। उसके एक्सीडेंट के इतने टाइम के बाद उस दिन में सुकून से सोई थी, बिना बदन में कोई खुजली, बिना कोई तकलीफ। दर्द तो था ही, जख्म का दर्द तो था ही, लेकिन जो सुकून का नींद मुझे उस दिन मिला था ना, मैं क्या ही बोलूं। नहा खाई, मम्मी ने खाना ना खिलाया, मैं सो गई। पूरा दिन में सोई और सुकून से सोई। दर्द था, सैलून वगैरह तो चढ़ ही रहा था, तो सुकून से सोई। तो यहाँ से सर्जरी स्टार्ट हुई। पहले उन्होंने मेरा फेस बिल्कुल जल के इतना बड़ा सा हो गया था, जितना स्किन जला हुआ था वो सारे उन्होंने पहले ब्लेड से निकाल दिया। उसके बाद मेरा ये जो कान है ये बिल्कुल जल गया था, तो इसको भी
छोटा हो गया था तो उसको भी काट के हटा दिया उन्होंने। अभी जो लगा है वो चेस्ट के नीचे जो हड्डी होता है वो निकाल के कान का डिजाइन करके यहाँ पे लगा बिठाया था उन्होंने, फिर इसको खड़ा करना था लेकिन वो अब हो नहीं पा रहा ये कान का ऑपरेशन ना, तो वो बैठा ही है अभी। तो वो कान भी उन्होंने काट के हटा दिया मेरा, और फेस से जितना स्किन था वो सारे उन्होंने निकाल दिए, चेस्ट का जितना जख्म था वो सारे निकाल दिए। उसके बाद ड्रेसिंग हो गया मेरा। 2 दिन के बाद जब वो ड्रेसिंग खोलने के लिए वो बंदा आया जो ड्रेसिंग करता था, ओ माय गॉड, मैं क्या बताऊं आपको। जैसे ही मैं बैठी वो मेरा जो पट्टी था वो पट्टी जब खोल रहे थे ना, मेरे जख्म ऐसे सटे हुए हट नहीं रहे थे, वो ड्रेसिंग हट ही नहीं रहे थे, जबरदस्ती घिंच घिंच के निकाल रहे थे और ब्लड पच पच करके इतना ब्लड निकल रहा था ना मेरे हाथों से मेरे चेच से, जैसे जैसे घींच के निकाल से फेस में ऐसा सटा हुआ था वो कपड़ा, इतना भयानक तरीके से उसको ऐसा नोच के निकाला ना, मेरा पूरा मुंह से ब्लड, मेरे पूरे गले से चेच से हाथ से ब्लड, इतना ब्लड निकला मेरे बदन से पूरा, जहाँ पे मुझे बिठा कर रखा था बेड में पूरा बेड में ब्लड। अब मैं इतना चीख रही थी, तो वो पेन मतलब मैं क्या ही बोलूँ, जो जो दर्द मैंने सहा है ना आप लोग वो सोच भी नहीं सकते कि कोई जिंदा इंसान इतना दर्द सह के बच कैसे सकता है। वो दर्द जो मैंने सहा है ना, जान अब भी निकल गई ऐसा पेन था, अब भी मैं खत्म हो गई ऐसा वो दर्द था, मैं वो ऐसे टच नहीं कर सकती थी अपना स्किन, छील के पूरा निकाल दिया गया था, अंदर सिर्फ जख्म थे, छीला हुआ स्किन जिंदा इंसान का। आप सोचो क्या दर्द होगा वो, क्या पेन होगा, चिल्लाती थी छटपट आती थी मुर्गी की तरह, मुर्गी हो गए काट रहा हो ऐसे चिल्लाती थी। 2 लोग मेरा हाथ पीछे से पकड़ लेते थे, 2 लोग पकड़ के रखते थे, फिर एक आदमी नीचे निकालता था, फिर उसको दवाई वगैरह लगा कर ड्रेसिंग करता था क्लीन, फिर सटाता था उसको, बहुत ऐसा हुआ बहुत। और एक के बाद एक सर्जरी स्टार्ट हुई, कब वो हटाया गया, फिर पैर का स्किन काट के मेरे फेस पे लगाया गया, फिर दर्द थोड़ा कंट्रोल हुआ मेरा, थाई से जो स्किन होते वो निकाल के उन्होंने मेरे फेस में लगाया, मेरे चेस्ट में लगाया, हाथ में लगाया, उसके बाद मेरा जख्म धीरे धीरे सूखने लगा। अगर ये स्किन नहीं लगता तो मेरा जख्म नहीं सूखता, तो उन लोगों ने पहले वो जख्म को काट के हटाया, उसके बाद मेरे पैर का स्किन निकाल के और मेरे फेस चेस्ट वगैरह में सब में हाथ वगैरह में उन्होंने बिठाया, और उसके बाद जख्म का दर्द जो था वो कम हुआ मेरा, और मैं बात करने लगी, फिर मैं उठने लगी। नहीं तो 3 महीने तक बेड में ही मेरा रहना था, बेड में ही हर चीज में करती थी, बाथरूम वगैरह, और इतनी बड़ी बेटी का जितना भी बाथरूम वगैरह मेरी मम्मी साफ करती थी, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। हर माँ बाप अपने बच्चों को एक जन्म देती है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे दूसरा ये जन्म दिया, उनका एहसान तो मैं मर के भी नहीं चुका सकती जो उन्होंने मेरे लिए किया है। बाथरूम वगैरह सब मैं बेड में करती थी और मेरी मम्मी वो साफ करती थी, तो बहुत वो फील होता है मुझे कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए कितना कुछ किया, मैं ये एहसान कैसे उतारूंगी उनका, कभी नहीं उतर सकता ये, मर के भी नहीं उतार सकती मैं। 3 महीने के बाद फाइनली वो दिन आया कि मैं थोड़ा सा अच्छा फील होने लगा मुझे, लेकिन मैं खड़ी नहीं हो पाती थी क्योंकि जो तेजाब गिरा था तो घुटने पे भी तेजाब गया हुआ था, तो घुटने का जो हड्डी होता गोल वो अंदर तक तेजाब चला गया था, तो अंदर का हड्डी थोड़ा गल गया था मेरे पैर का, तो मैं चल फिर नहीं पाती थी। वहां जख्म सिर्फ इतना ही था, लेकिन इतना जख्म इतने जख्म से बहुत बड़ा था वो, मैं खड़ा नहीं हो पाती थी, मैं चल नहीं पाती थी, मतलब वो पैर में जान ही नहीं बचा था। के बाद एक सर्जरी हो रही थी मेरी, और उसके बाद 3 महीने के बाद मुझे डिस्चार्ज मिला। 3 महीने में वो बेड में थी, 3 महीने के बाद फाइनली वो दिन आया कि मैं अपना पैर नीचे जमीन में रखूं, लेकिन मेरा आंख का टोटली विजन चला गया था, मैं टोटली ब्लाइंड हो चुकी थी उस टाइम, मुझे नहीं दिखाया था, तो आंखों के लिए तो बहुत ट्राई किया था बट हो नहीं पाया। तो फाइनली वो दिन आया जब मैंने अपना पैर जमीन में रखा, आप मानोगे नहीं, जिस दिन मैंने जमीन पे पैर रखा ना एकदम झटका लगा मुझे बहुत तेज, ऐसा लग रहा था कि पूरा नीचे फर्श पे ना वो है करंट लगा हुआ, तो पैर रखने के लिए मैं डर रही थी। तो 2-3 लोगों ने मुझे पकड़ा, मुझे चलाने की कोशिश किया, फिर उन्होंने 1 हफ्ता उन्होंने मुझे दिया कि 1 हफ्ता पहले चल फिर लो, फिर डेली मेरा एक्सरसाइज होने लगा, मुझे चलाना फिर आना, एक आदमी आता था डेली मुझे एक्सरसाइज कराने के लिए, चर्च से बहुत सारे नर्स आते थे वो सरकारी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए,
वो मुझे डेली, मतलब वो इतना ब्लेसिंग्स वो मुझे देते थे ना, वो चर्च के जितने भी नर्स थे, इतनी अच्छे अच्छे नर्स आती थी चर्च से, ए टू जेड इंग्लिश बोलती, और इतना अच्छा। मैं जब मेरा ऑपरेशन हुआ ना, तो यहाँ पे सीने के यहाँ पे ना बिल्कुल ना, जैसे दिया नहीं जलता ऐसे दिया दिया सा हो रखा है डिजाइन, तब से ही मेरा, जब स्किन सर्जरी हुआ था तो यहाँ पे बीच में ऐसे दिया की तरह डिजाइन बन चुका है, जैसे कोई दिया जल रहा हो ऐसे यहाँ मेरे सीने में बन गए ऐसे डिजाइन। तो वो नर्स मुझे कहती थी जब ड्रेसिंग करती थी कि देखो यहाँ एकदम यहाँ पे भगवान ने तुम्हारा ना दिया जैसा डिजाइन बना दिया है, तो बन चुका है, और तुम इसी दिया की तरह एक दिन चमकोगी, ये मेरा ब्लेसिंग है, बोल के वो बोलती थी। लाइफ में तुम बहुत आगे जाओगे, बस हिम्मत नहीं हारना कभी, क्योंकि हम हमेशा जब भी प्रे करने के लिए सुबह बैठते हम सिर्फ तुम्हारी बातें दिल में आती है, और दिल से हम तुम्हारे लिए दुआ करते कि तुम एक दिन बहुत कामयाब बनो और तुम बहुत जल्दी देखो दुनिया फिर से, रेशमा ऐसे बोल के मुझे ब्लेसिंग्स दे। तो वो नर्स बहुत अच्छे अच्छे नर्स थे वो लोग चर्च के, तो मैं उनको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ अभी। तो गाइस वो दिन आया कि मैं घर, मुझे जाना है, डिस्चार्ज मिल चुका है, तो मैं घर जब मैं आई, मतलब उस टाइम रेंट के घर पे आई, आने के बाद एक दिन थी, दूसरे दिन ही मुझे पता चलता है कि उस लड़के को बेल मिल चुका है, ठीक है, बेल मिल गया उसको। तो मैंने मम्मी को बोला कि उसको बेल मिल चुका है, मुझे थाना जाना है, मुझे थाने में जाके बात करनी है। तो मैं जब थाने पहुंची, हाँ, तो उस टाइम मैं ना बिल्कुल बोरखा पहन के रहती थी, काला चश्मा काला बोरखा, मुझे डर लगता था कि लोग देख के क्या बोलेंगे मुझे, है ना, कोई मुझे पहचान ना ले कि मैं वही हूँ, इतना भयानक शक्ल है ना, तो मैं डरती थी, तो मैं बोरखा पहन के रहती थी, चश्मा लगा के मैं रहती थी कि कोई मुझे देख ना ले बोल के। तो मैं जब थाने पहुंची, थाने पहुंचने के बाद वहां पे मैंने थाने में पूछा सर को, कि एक इंस्पेक्टर वहां बैठे हुए थे, मैंने उनको बोला कि सर वो लड़की का क्या हुआ जिसने मुझे ऐसे अटैक किया था, तो बोला वो उसको तो जेल बेल मिल गया बोल के। तो मैंने बोला कि ऐसे कैसे उसको बेल मिल गया, मतलब एक लड़की की पूरी जिंदगी उसने बर्बाद कर दी और आप लोगों ने उसे 4 महीने में छोड़ दिया, तो मतलब इतनी बड़ी, इतना जिंदगी उसने मेरा खराब किया, उसका सिर्फ 4 महीने का सजा। तो बोले मैडम 4 महीने मतलब 120 दिन, तो उसको जितना सजा मिलना था मिल चुका है, उसने अपना सजा काट लिया। मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैं क्या बोलूं कि एक लड़की का पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया, उसको सिर्फ 3 या 4 महीने का सजा, ये कौन सा कानून है भाई अपने भारत का, है ना। तो मैंने अपनी बोरखा और हटाया, चश्मा हटाया, मैं बोला आप मुझे ठीक से देखो और मेरी पहले की फोटो देखो, उसने मेरा क्या हाल किया है, एक लड़की का इतना जिंदगी पूरा बर्बाद कर दिया, और आप मुझे ये कह रहे कि 120 दिन वो जेल में था, बहुत है। तो ठीक है, जब मेरा आँख ठीक होगा ना और मैं थोड़ी ठीक हो जाऊंगी, तो उसको घसीट के ला के आपके थाने के सामने उसको तेजाब डालूंगी, और आप मुझे 4 महीने के, आप मुझे 6 महीने 1 साल रख लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, हंसी खुशी में थाने में रहूंगी 1 साल तक, मैंने इसे उसको बोला। लेकिन उस टाइम मैंने गुस्सा में बोला था, ऐसा करने का मेरा कभी भी इरादा नहीं था कि जिसने मेरे साथ ऐसे किया मैं भी उसके साथ ऐसा करूं, तो उसमें मुझमें कोई फर्क नहीं होता। तो गाइस वहां पे होने के बाद फिर उसकी वाइफ का एक दिन मुझे कॉल आता है कि रेशमा अब से तुम पहले ऐसी रही नहीं, ये वही औरत थे जो एक्सीडेंट से पहले मुझे रिक्वेस्ट करती थी कि मेरे पति को छोड़ दे, मेरे पति के पीछे मत पड़, तो मैं कभी उसके पति के पीछे पड़ी ही नहीं, जो वो लड़का था वो खुद ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था पागलों की तरह, वो खुद ही मरता था, मैं कभी उसके पीछे नहीं गई, मैं कभी भी उसको ये नहीं कही कि मेरे पीछे आओ या तुम मुझे प्रपोज करो या मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, कभी भी नहीं। जब से मुझे पता चला था वो मैरिड है, कंफर्म हुआ, मैं 10 कदम दूर हो गई कि नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में देखा है अपनी माँ को वो तकलीफ सहते हुए, तो मैं वो तकलीफ जो बचपन से देखती हुई अपनी नजर से आ रही हूँ, वही तकलीफ मैं एक औरत को नहीं दे सकती, ठीक है। तो ये मैं कभी नहीं कर सकती, ना मैं पहले कर सकती, ना मैं अब कर सकूंगी, क्योंकि बचपन से मैं वही देखी हूँ माहौल, जब मेरे पापा ने मेरी मम्मी को छोड़ दिया था तो उसके बाद मेरी मम्मी की जिंदगी कैसी हो गई थी, तो वो सब देखने के बाद भी अगर मैं ऐसी किसी औरत के साथ करूँ तो उसमें और मुझ में क्या फर्क होगा, है ना। तो यही सब था और बहुत लंबा चला ये सब, और फिर भी जब मैं घर आ गई और मैं बहुत सारे हम फिर और इस आँख के डॉक्टर के पास गए, तो पहले हम दिल्ली गए, मुंबई गए, मम्मी मुझे नेपाल लेके गई, हर जगह हम गए, लेकिन हर जगह हर डॉक्टर का यही कहना था कि अब ये कभी देख नहीं पाएगी, अब ये ऐसी ही रहेगी और इसकी आँख का रोशनी कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी हार नहीं माना।
फिर हम घूर फिर के बंगाल गए, फिर से कोलकाता गए, वहां पे एक हॉस्पिटल है वहां गए। वहां जाने के बाद मेरे अंदर हम गए कैबिन में डॉक्टर के पास, तो मम्मी ने बोला कि सर मेरी बेटी अभी सिर्फ 19 साल की है, तो अभी 19 साल की उम्र में इसके साथ इतना बुरा हादसा हो गया। तो मैंने सुना है कि आँख चेंज होता है, तो अगर किसी की आँख मेरे बच्चे को लग सके, इसकी जिंदगी बच सकती है, तो आप देखिए ना कि वो हो जाए बोल के, तो कॉर्निया चेंज होता है। तो डॉक्टर अब भी गुस्सा हो गया इतना ज्यादा, कह रहा कि हाँ आंख लगाना है बेटी के आंख में, आप कोई आलू मूली पोटल ले क्या कि बाजार से खरीद के तुम्हारे बेटे के आंख में लगा दो। मतलब उस डॉक्टर का कहना ऐसा था और उसका जवाब ऐसा था, मतलब वो सुन के मैं तो उस दिन मैंने बोला कि बस और नहीं, मतलब अब मैं ठीक नहीं हो सकती कभी, जिंदगी भर अंधी बन के मुझे रहना है। तो मैं बहुत बहुत रोने लगी और मेरे साथ साथ मेरी मम्मी भी उस दिन बहुत ज्यादा रोने लगी। और हाँ, मुझे लगा कि अब मैं कभी भी नहीं देख पाऊंगी, मैं ऐसा मैं सोचने लगी। वहां से रोते रोते मैं घर को आई, तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि क्यों रो रही है इतना। हम एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मनाया किया, हम दूसरे के पास गए, उन्होंने ही मनाया किया, हम तीसरे के पास गए, उन्होंने ही मनाया किया, हम चौथे के पास जाएंगे, फिर पांचवें के पास जाएंगे, छठे के पास जाएंगे, कितने डॉक्टर मना करेंगे। दुनिया में ऐसा तो कोई डॉक्टर होगा जो तुम्हें ठीक कर पाएगा, और मैं तुझे आज वादा करती हूँ, तुझे कभी ऐसा नहीं होगा कि तू जिंदगी भर अंधी रहेगी, तू जरूर एक दिन दुनिया देखेगी, ये मैं तुझे वादा कर रही हूँ, तेरी माँ तुझे कह रही। तो जब माँ ने बोला तो वो तो जो बोलती वो करके रहती है, तो मैंने बोला कि हाँ आप करोगे मम्मी। बोला मुझे अपना आँख भी देना पड़ा ना, मैं दे दूंगी, लेकिन तुझे जरूर ठीक करूंगी मैं बोल के, तो ऐसा मेरी मम्मी ने बोला। हम बहुत ज्यादा उस टाइम रो रहे थे, बहुत रोना धोना हो रहा था, माँ बेटी एक दूसरे का सहारा था, कुछ भी नहीं देख सकती थी, बिल्कुल अंधेरा, मम्मी के कांधे में हाथ रखती थी, मम्मी ले लेके जाती थी हॉस्पिटल में, मंदिर मस्जिद हर जगह मेरी मम्मी जाती थी, हर जगह उन्होंने मन्नत किया, चाहे वो शीतला माता का मंदिर में मन्नत हो, चाहे वो मुहर्रम का मन्नत हो, चाहे वो इसका कुरान खाने का, कुछ भी कोई भी जो जो बोलते थे, हर एक मन्नत उन्होंने किया, छठ पूजा का मन्नत किया, शीतला माता को आंख चांदी का देने का हर साल का वादा किया, हर साल वो झंडे चढ़ाती है इसमें मुहर्रम में, मतलब उनको जितना बोला छठ पूजा वगैरह सब अभी तक मेरी मम्मी करती है। जब से मेरी रोशनी एक आंख में आई है कंटिन्यू वो करती है, हर साल वो शीतला माता के यहाँ भी जाती है। इसलिए हम कोई जात बिरादरी नहीं मानते, क्योंकि मुझे ठीक कराने में हर भगवान हर अल्लाह ने मेरा साथ दिया है, हम हर किसी के पास जाके अपना सर हमने सजदा किया है, तो इसलिए सब हमारे लिए एक, हम सबको मानते। तो मेरी मम्मी शीतला माता के मंदिर भी जाती है, उनको हर साल जब उनका पूजा होता है उनको चढ़ावा चढ़ाती है, हम छठ पूजा में भी चढ़ावा हर साल चढ़ता है, मुहर्रम में भी चढ़ता है, तो हर एक मंदिर में मम्मी जाती है करती है, हम सबको मानते हैं, हमारे लिए सब एक है। तो यही मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जात बिरादरी लेके ना बोले, सब एक है, सबका मालिक एक है, बस दिल होना चाहिए और इंसान का दिल साफ होना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जात धर्म लेके मत आप लोग झगड़ा क्या कीजिए गाइस। तो ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, क्योंकि रात के 11 बजे मैं ये शूट कर रही हूँ और सभी सो रहा है इसलिए, और मॉर्निंग 8 बजे ये पब्लिश होगी। तो गाइस 8वां पार्ट जो है मैं जल्दी ले आऊंगी, और फिर आगे का जो है आप कैसे आए वापस, कौन से हॉस्पिटल में आए, वो सारे उसमें बताऊंगी। अभी बहुत ज्यादा गर्मी भी है तो मैं बैठ नहीं पा रही, और तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आगे की स्टोरी शेयर करूंगी। बाकी जिनको शॉर्ट में सुनना था आप लोगों को पता ही है क्या हुआ है, तो इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता, जिंदगी है, जो हादसा हुआ है वो तो कंटिन्यू बताना पड़ेगा ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और डेली 8 बजे ब्लॉग भी शेयर होती है, तो डेली आप ब्लॉग भी वॉच किया कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और 1 से लेके 6 तक जितने भी पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो आप लोग चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे अपना प्यार देते रहे। जाने से पहले लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।